क्लॉकवर्क बेंटन का एक काफी पावरफुल एलियन और क्लॉकवर्क को हमने सबसे पहले बेंटन अल्टीमेट एलियन में देखा था। बेंटन अल्टीमेट एलियन में क्लॉकवर्क की ज्यादा पावर्स तो नहीं दिखाई गई थी क्योंकि दो तीन बार तो क्लॉकवर्क सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर दिखा था, लेकिन बेंटन ओमनीवर्स में क्लॉकवर्क ने धूम ही मचा दी। बेंटन ओमनीवर्स में क्लॉकवर्क की हमें काफी सारी पावर्स देखने को मिली और एटॉमिक्स अगर ना आता तो क्लॉकवर्क ही बेंटन का सेकंड मोस्ट पावरफुल एलियन बनता, लेकिन काफी सारे बेंटन फैन अभी भी क्लॉकवर्क को सेकंड मोस्ट पावरफुल एलियन मानते हैं क्योंकि बेंटन की अल्टीमेट एलियन और बेंटन की ओमनीवर्स सीरीज में क्लॉकवर्क ने काफी सारे कारनामे करके दिखाए हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 क्लॉकवर्क के कारनामे बताने वाला हूं, यानी कि आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 क्लॉकवर्क के मूवमेंट बताने वाला हूं। नंबर 5, द बिगिनिंग ऑफ एंड। डायगन के सिपाहियों को गए वक्त हो गया, जरा देख लेते हैं वो कहां गए। बिल्कुल सही सोचा तुमने। अब बेंटन की अल्टीमेट एलियन सीरीज में हमें क्लॉकवर्क की ज्यादा पावर्स तो नहीं देखने को मिली, लेकिन क्लॉकवर्क की एक पावर बेंटन अल्टीमेट एलियन सीरीज में दिखाई गई थी जो कि थी पास्ट के होलोग्राम बनाना, जिसकी वजह से क्लॉकवर्क बाकी सभी को पास्ट भी दिखा सकता था। और यहाँ पर क्लॉकवर्क ने एक पूरी की पूरी आर्मी का होलोग्राम बना दिया था, जिसकी वजह से ग्वेन और केविन को ये पता चला कि एसोटेरिका आखिर जा कहाँ रहे हैं और उनका मकसद क्या है और वो आगे क्या करने वाले हैं, इसीलिए वो पहले से ही सतर्क हो गए। नंबर 4, क्लॉकवर्क वर्सेस विलगेक्सिस स्क्विड मॉन्स्टर। अब बेंटन ओमनीवर्स में हमें क्लॉकवर्क की काफी सारी पावर्स रिवील हुई थी, उन्हीं में से एक एपिसोड था जिसका नाम था वेंजेंस इज माइन। उस एपिसोड में हमें क्लॉकवर्क की एक नई पावर देखने को मिली कि क्लॉकवर्क अपनी टाइम रेस से टाइम को स्लो भी कर सकता है, इसी वजह से क्लॉकवर्क बेंटन का इनडायरेक्टली फास्टेस्ट एलियन भी बन जाता है और वो काफी कम टाइम में काफी मीलों दूर तक की रेस लगा सकता है। और जहां तक है क्लॉकवर्क बेंटन के हर फास्टेस्ट एलियन को स्पीड में हरा सकता है, एलियन एक्स को छोड़कर, क्योंकि उसके पास भी टाइम पावर है। और ये वाला मूवमेंट सच में काफी औसम था और इस वाले मूवमेंट में पहली बार बेंटन को ये पता चला था कि क्लॉकवर्क आखिर ये भी कर सकता है। नंबर 3, बैन अगेन। अब बेंटन ओमनीवर्स के एक एपिसोड में हमने 10 ईयर ओल्ड बैन के पास भी क्लॉकवर्क देखा था। उस एपिसोड के एंडिंग में प्रोफेसर पैराडॉक्स ने बैन को बताया कि अगर दोनों बैन एक ही टाइम पे एलियन को सेलेक्ट करते हैं क्लॉकवर्क भी 10 ईयर ओल्ड बैन के पास चला जाएगा। अब मेरे को ये समझ में नहीं आया कि उस टाइम पे 10 ईयर ओल्ड बैन ने कौन सा एलियन सेलेक्ट किया होगा और दोनों क्लॉकवर्क ने अपनी टाइम रेस से इयोन को डिफीट कर दिया था। ये मूवमेंट काफी अच्छा था, 10 ईयर ओल्ड बैन का क्लॉकवर्क काफी अच्छा लग रहा था। नंबर 2, क्लॉक ब्रेड या क्लॉक बबल। तो बेंटन ओमनीवर्स के इट्स मैड 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 बैंड वर्ल्ड एपिसोड में हमें क्लॉकवर्क के साथ टेक्नो बबल मर्ज होते हुए देखा और टेक्नो बबल के मर्ज होने के बाद क्लॉकवर्क की काफी सारी पावर्स बढ़ गई थी और क्लॉकवर्क की स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी और जो भी उसकी वीकनेसेस थी वो सारी की सारी चली गई थी। और सच में यार, क्लॉकवर्क टेक्नो बबल के साथ मर्ज होने के बाद काफी अच्छा लग रहा था और उसकी पावर्स भी काफी बढ़ गई थी, लेकिन वो बाद में जाकर माल्ट्रुएंट से हार गया था। ये क्लॉकवर्क फैंस के लिए काफी डिसअपॉइंटमेंट की बात थी। तो देखो यार, माल्ट्रुएंट एक काफी पुराना क्रोनोसेपियन है और अभी तक बेंटन को क्लॉकवर्क की काफी सारी पावर्स के बारे में नहीं पता है, इसीलिए उस टाइम पे टेक्नो बबल के साथ मर्ज होने के बाद भी क्लॉकवर्क माल्ट्रुएंट से हार गया था। और भी काफी सारे रीजन थे क्लॉकवर्क के हारने के, लेकिन ये दो ही कुछ मेन रीजन थे। नंबर 1, क्लॉकवर्क रिवाइव ऑल बैंस। अब बेंटन ओमनीवर्स के एंड देन देयर वाज बैन एपिसोड में हमें क्लॉकवर्क की एक और नई पावर देखने को मिली कि वो दूसरों को टाइम पावर के साथ जिंदा भी कर सकता है। अब देखो यार, ये सारे बैन क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब की ही मदद से मरे थे, इसीलिए क्लॉकवर्क आसानी से इन सभी बैन को जिंदा कर पाया, लेकिन क्लॉकवर्क चाहे तो मरे हुओं को भी जिंदा कर सकता है जिस तरीके से उसने इन बैन को जिंदा किया था, क्योंकि जो क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब की मदद से बैन मरे थे वो सारे तो पहले ही मर चुके थे, लेकिन ये जो सारे बैन क्लॉकवर्क ने टाइम पावर की मदद से जिंदा किए थे वो सारे बैन उस टाइम के बैन थे जब क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब का असर उन पे नहीं हुआ था, और इसी पावर की मदद से इनडायरेक्टली क्लॉकवर्क मरे हुओं को भी जिंदा कर सकता है। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए कि क्रोनोसेपियन मरे हुओं को जिंदा कर सकते हैं या नहीं, तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना।